हाय, ये हमारा प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है पूरा सीरीज का। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोग को, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, राइट, डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं, फिर हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। एंड इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट में आपको ऐसा एक रियल लाइफ एग्जांपल देगा दूंगा मैं, ताकि आप लोग बहुत ही मतलब खुश हो जाओ कि भाई भाई क्या साइट है, मतलब क्या एग्जांपल है, लाजवाब है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? इफ़ ऑल द प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस, हियर इट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। स्टडी फ्लो के केस में टाइम था, लेकिन यहाँ पर स्पेस है। द फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर स्पेस मतलब है लोकेशन, पॉइंट टू पॉइंट, ओके, डिफरेंट लोकेशन लोकेशन चेंज हो रहा है, लेकिन भाई साहब प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है। इसे भी वही तरीके से समझते हैं, जैसे कि एक पाइप है, इनसाइड इट वाटर इज फ्लोइंग, एंड एक सेक्शन मैंने मान लिया। थोड़ा सा आप लोग को मैं ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अच्छे से समझ में आया आप लोग को। सो, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस लेकर देखिए इस वीडियो को, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू एंजॉय इट। ओके, सो देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ। मान लो कि हियर इट्स ए पाइपलाइन एंड हियर द फ्लूइड्स आर फ्लोइंग। ठीक है, इट्स ए फ्लूइड फ्लो। तो ये एक लोकेशन फिक्स किया मैंने, मान लो ए, एंड ये और एक लोकेशन फिक्स किया के मान लो बी। तो ये दोनों केस में, ये पॉइंट में, ये लोकेशन में मैंने देखा कि मैं वेलोसिटी को एक प्रॉपर्टी मानकर यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये लोकेशन में भी मैंने चेक किया, अगर मुझे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड मिला, देन मैं बोलूँगा इट इज़ ए यूनिफॉर्म फ्लो। समझ रहे हो? तो डिफरेंट लोकेशन में, मतलब लोकेशन चेंज हुआ, लेकिन अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट ही रहता है, तब बोलेंगे हम इट्स यूनिफॉर्म फ्लो। तो अगर इसे मैथमेटिकली मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, तो ये पी को अगर फंक्शन मानते हैं प्रॉपर्टी का, तो ये डी पी बाई डी एस होगा। क्या होगा? डी पी बाई डी एस, डी पी बाई डी एस। एस एक स्पेस का बोल सकते हैं वेरिएबल है। ठीक है, तो डी पी बाई डी एस इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ ना, चेंज ऑफ स्पेस ऑफ ए प्रॉपर्टी मस्ट बी कॉन्स्टेंट। मतलब जो स्पेस चेंज होने के साथ साथ अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो उसको बोलेंगे हम क्या? यूनिफॉर्म फ्लो। गुड, आई होप कि ये मैथमेटिकल फॉर्म भी समझ में आ गया होगा आपको। एंड चलिए नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज़ द सेम थिंग, इज़ द ऑपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। अगर ये चेंज हो जाता है, अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है स्पेस को बेस करके, मतलब स्पेस चेंज हुआ, प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया, तो भाई नॉन यूनिफॉर्म ही नहीं है। तो मैं और आप लोग को एक ऐसा अभी एग्जांपल देने जा रहा हूँ, एंड आप लोग तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका पूरा अब जो आज तक समझ में आ रहे थे उसको रिलेट करने वाला है। ठीक है, तो वही देखते हैं भाई साहब। देखिए ये कि यहाँ पर मान लीजिए प्रिंसिपल का ऑफिस है, ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मैं रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस को एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं, एंड यहाँ से डिफरेंट पॉइंट मैंने चूज किया, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ, ये जो चारों पांचों दिशा में मैंने गया और 5 डिफरेंट पॉइंट मैंने चूज किया, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक कलर पहने हुए स्टूडेंट्स है, मतलब एक कलर का शर्ट पहने हुए स्टूडेंट्स है, एंड कलर इज आल्सो ए फिजिकल प्रॉपर्टी, ये मत भूलिए आप। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी सेम हो रहा है, तो इसको क्या बोलना चाहिए? यूनिफॉर्म है ना, इसे क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म ही बोला जाता है ना, जो स्कूल में बच्चे सेम कलर का शर्ट पहनते हैं, इसे क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म ही बोला जाता है ना, वही चीज़।
अगर कोई डिफरेंट मैंने रेफरेंस चूज किया, वहाँ से डिफरेंट पॉइंट चेक किया, अगर डिफरेंट पॉइंट में प्रॉपर्टी मुझे सेम मिला तो उसे मैंने यूनिफॉर्म बोलूँगा। यहाँ पर तो वही चीज़ हो रहा है, एंड स्कूल में यूनिफॉर्म ऐसे ही दिया गया है ना। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन लोग को भी पता चले कि इस तरह का चीज़ें भी अवेलेबल है कुछ चैनल में। एंड अगर आपको पसंद आया कि ना भी आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या चीज़ के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं वो भी बताएं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में और कोई एग्जांपल चल रहा है वो भी बताइए। ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर टुडे एंड आई विल बी बैक विथ अनदर न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर, बाय।